नमस्कार। इस साल 9 अगस्त का क्रांति दिन ऐतिहासिक होगा। देश भर के किसान और मजदूर जेल भरो सत्याग्रह करेंगे। इसी के साथ एक हस्ताक्षर अभियान भी चलाया जाएगा। 10 करोड़ हस्ताक्षर इकट्ठा करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आवेदन पत्र भेजा जाएगा। अखिल भारतीय किसान सभा ने इस आंदोलन का आयोजन किया है और वामपंथी मजदूर संगठन सीटू ने इसका समर्थन किया है। पिछले कुछ समय से चले किसान और मजदूर आंदोलन में ये जेल भरो सत्याग्रह एक अहम कड़ी रहेगी। देश के किसान और मजदूर मोदी सरकार पर खफा है। 2014 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी ने किसानों को और मजदूरों को बहुत सारे आश्वासन दिए थे। किसानों को MSP मिलना था, किसानों को ऋण मिलना था, किसानों को इंश्योरेंस मिलना था। किसानों के लिए स्वामीनाथन आयोग लागू करने की बात भी नरेंद्र मोदी ने की थी, लेकिन इसमें से एक भी आश्वासन आज तक पूरा नहीं हुआ। किसानों की आत्महत्याएं भी रुक नहीं रही। 2015 में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि इस देश में हर साल 12,000 किसान आत्महत्या कर रहे हैं। पिछले 3 सालों में इसमें बढ़ोतरी हुई है। किसान परिवार के सैकड़ों युवा खेती बंद करके नौकरियों के तलाश में शहरों में घूम रहे हैं। मशहूर पत्रकार पी साईनाथ का कहना है कि कृषि समस्या पर एक नेशनल डिबेट होना चाहिए। इसके लिए लोकसभा का विशेष सत्र बुलाकर 3 हफ्तों में इसमें कृषि समस्या पर चर्चा होनी चाहिए। क्या ऐसे हो सकता है? किसानों का एक लॉन्ग मार्च संसद पर भी जा सकता है। इस सत्याग्रह के बाद शायद इसका जवाब मिल सकता है। पी साईनाथ का ऐसा भी कहना है कि किसानों को पब्लिक सर्वेंट मानना चाहिए और सरकारी नौकरों को जो कुछ सहूलतें मिलती है वो सारी उन्हें देनी चाहिए। कुछ महीने पहले किसान सभा ने 40,000 किसानों का एक लॉन्ग मार्च नासिक से मुंबई तक निकाला था। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने पहले इन किसानों का मजाक उड़ाया, कहा कि ये अर्बन नक्सल है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि ये किसान है ही नहीं, ये तो आदिवासी है। लेकिन जब 40,000 किसान मुंबई पहुंचे, मुंबई की सड़कों पर चलने लगे तो सरकार के रोंगटे खड़े हो गए। आखिरकार इन किसानों की जो मांगे थी वो सरकार को मंजूर करनी पड़ी। जो वेदना किसानों की है वही वेदना मजदूरों की भी है। फैक्ट्रियां बंद हो रही है, हर जगह कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम चालू हो गई है। इस देश के श्रम कानूनों को कमजोर करने का काम मोदी सरकार ने किया है। इसलिए आज 9 अगस्त के जेल भरो आंदोलन में किसानों के कंधों को कंधा लगाकर मजदूर भी खड़े हैं। 9 अगस्त के इस लॉन्ग मार्च का असर सरकार पर क्या होगा, नरेंद्र मोदी इसको प्रतिसाद देंगे या नहीं, मुझे मालूम नहीं। लेकिन अगले लोकसभा चुनाव पर, 2019 में होने वाले लोकसभा चुनाव पर कृषि समस्या या मजदूर समस्या का असर जरूर होने वाला है। जो सरकार, जो पार्टी किसानों को नाराज करती है, किसानों की समस्या पर हल नहीं ढूंढती, वो चुनाव जीत नहीं सकती। इसलिए किसानों का ये संघर्ष जो है वो अगले चुनाव के लिए, चुनाव की राजनीति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है।